ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देर न करते हुए करते हैं पहली बड़ी खबर। खबर कुंडा इलाके से है, जहां राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह की रकम न लौटाने वाले 5 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। भादरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह से प्रयागराज के कारोबारी ने 4 करोड़ रुपए उधार लिए थे। 1.5 करोड़ रुपए की उसने वापसी कर दी, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। कारोबार के लिए उधार ली गई रकम न लौटाने पर राजा उदय प्रताप सिंह ने कारोबारी समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह ने प्रयागराज के MG मार्ग सिविल लाइन निवासी कारोबारी अरुण क्षेत्रपाल को 4 करोड़ रुपये उधार दिए थे। अरुण क्षेत्रपाल की एक कारोबारी कंपनी है, उसमें जरूरत पड़ने पर अरुण ने राजा उदय प्रताप सिंह से जून 2019 में 4 करोड़ रुपए उधार लिए। आरोप है कि अरुण क्षेत्रपाल ने 1.5 करोड़ रुपए तो लौटा दिया, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए लौटाने में ही लावाली करते रहे, जिस पर राजा उदय प्रताप सिंह ने कुंडा कोतवाली में तहरीर दी। राजा उदय प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अरुण, सानू, सुनील, बीनू और शबनम क्षेत्रपाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर मानधाता इलाके से, जहां मारपीट में फरार चल रहे आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस ने 6 घरों को किया ध्वस्त। बता दें कि मामला मानधाता इलाके के मिसिरपुर गांव का है, जहां मिसिरपुर गांव के निवासी अभिषेक सिंह को मंगलवार दोपहर घर जाते समय 10 की संख्या में दबंगों ने रोक लिया। लाठी, सरिया और तमंचों की बट से उन्हें मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में केचुल, साहिल, आमिर, महफूज, कैफ और 5 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। आरोपित केचुल की मां बदरुल निशा का आरोप है कि बुधवार दोपहर शिवरानीगंज और थानाध्यक्ष मानधाता भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंचे और उनका कच्चा मकान गिरा दिया। वहीं मनेहू निवासी हमजा का खिड़की, दरवाजा व बारजा तोड़ दिया गया। अरशद की खिड़की, दरवाजा, छप्पर व टाइल्स तोड़ दिया गया। बरेईपुर निवासी शहजाद की मां आसिया बेगम ने आरोप लगाया कि उनकी भी खिड़की, दरवाजा व बारजा को पुलिस वालों ने तोड़ दिया। विरोध करने पर घर की महिलाओं के साथ अभद्रता व मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, खबर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों का कैमरा, मोबाइल फ़ोन छीन कर पुलिस वालों ने घटना की फोटो व वीडियो को भी डिलीट करा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ पहुंची मिसेज यूपी आदिति सिंह। बता दें कि मिसेज यूपी डॉक्टर आदिति सिंह बुधवार को अपने पैतृक आवास भूपिया में पहुंची तो लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आई मिसेज यूपी का अपने बीच पाकर महिलाएं भी गदगद दिखी और सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। बता दें कि मूल रूप से भूपियामऊ के रहने वाले जितेंद्र बहादुर सिंह की बेटी अदिति सिंह ने 19 दिसंबर 2021 को लखनऊ में आयोजित मिसेज यूपी की वर्चुअल प्रतियोगिता में सहभाग किया, जिसमें उन्होंने मिसेज यूपी का खिताब हासिल किया था। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर कुंडा इलाके से, जहां कुएं में मिली बच्ची की लाश, सौतेली मां पर हत्या का आरोप। बता दें कि शाम को लापता बच्ची की लाश घंटे भर बाद कुएं में मिली। बच्ची के पिता ने मृतका की सौतेली मां पर कुएं में फेंक कर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद FIR दर्ज करने की बात कही। कुंडा थाना क्षेत्र के रजनपुर निवासी दिनेश सरोज राजगीर का काम करता है। उसकी 2 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं, तीसरी पत्नी के साथ वह रहता है। पहली पत्नी से पैदा हुए 4.5 साल की बेटी काव्या भी उसी के साथ रहती थी। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दिनेश काम से लौटा तो काव्या गायब थी। परिजन उसकी खोजबीन में जुट गए। दिनेश के घर से करीब 400 मीटर दूर आम के बाग में एक कुआं है। खोजते हुए करीब घंटे भर बाद लोग वहां पहुंचे तो कुएं में काव्या की चप्पल उतराती दिखाई दी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कुएं में तलाश की तो काव्या का शव मिला। शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। डूबने से मौत के बारे में पता चल रहा है। दिनेश का आरोप है कि घरेलू कलह के चलते उसकी पत्नी शांति देवी ने अपनी सौतेली बेटी काव्या को कुएं में फेंक कर मार डाला, लेकिन शांति देवी आरोपों से इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर पट्टी इलाके से, जहां किराना दुकान में 1000 रुपये की चोरी से हड़कंप मचा रहा। मामला आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव का है, जहां जयराम यादव की दयालगंज में किराने की दुकान है। जयराम दुकान बंद करके गांव में शादी समारोह में चला गया। रात में चोर दुकान के गले में रखे 7500 रुपये नगद और तकरीबन 25000 का सामान उठा ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने आजपुर देवसरा पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां साइबर अपराधी से 2.25 लाख रुपये पुलिस ने कराए वापस। बता दें कि साइबर सेल ने धोखाधड़ी से खाते से निकाली गई 1,65,000 रुपये की रकम पीड़ित के खाते में वापस करा दी। कदही थाना क्षेत्र के ताला बाजार निवासी रोहित बरनवाल को मंगलवार को साइबर अपराधी ने झांसा देकर OTP ले लिया और फिर रोहित के खाते से धीरे धीरे 1,65,000 रुपये कई बार में ट्रांसफ़र करा लिए और ऑनलाइन खरीदारी कर ली। लेकिन रोहित की शिकायत पर सक्रिय हुई साइबर सेल ने बैंक की मदद से पूरी रकम को वापस करा कर उनके खाते में भेज दी। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां कंपनी गार्डन में आए बच्चों ने किया स्टंट, हो सकता है जानलेवा।
बता दें कि नगर क्षेत्र के कंपनी बाग में सुबह और शाम के समय बच्चों के साथ ही किशोर भी पार्क में घूमने पहुंचते हैं। पार्क मनमानी करते हुए किशोर बच्चों के झूला पर स्टैंड करते हुए करतब दिखा रहे हैं। ऐसे में यह दुर्घटना का यदि शिकार हो गए तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ज़रूरत है चौकीदार और नगरपालिका के कर्मचारियों को इन्हें रोकने के लिए, जिससे यह मनमानी न कर सकें और सुरक्षित रहें। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां मौसम ने करवट ली है तो लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। बता दें कि आधी रात से ही तेज आंधी तूफान के साथ हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उम्मीद है कि आज पूरे दिन मौसम इसी तरीके से छाया रहेगा और आसमान में बादल दिखाई देंगे। धीरे धीरे हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है।